बंटू खाए, बंटू बंटू खाए, ए मामा खाए, अब तू खा, खा, खा। मेरा चंदा, मेरा बेटा। लाजो, कल माँ ने घर से निकलने नहीं दिया। तुम एक दिन नहीं मिलती हो तो ये पहाड़ सर पर टूटने लगते हैं। तुम मिले बिना एक दिन भी गुजर जाए तो ऐसे लगता है कुछ कमी रह गई। रोज मिला करो ना। देर हो रही है, बाजार जाना है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। हाय राम, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? तुम इसे नहीं लोगी तो मैं नदी में फेंक दूंगा। क्या खाएगा बेटे? जाजा, क्या है? इसको नहीं खोल सकती? कहाँ जाएगा? पंप पंप पे जाएगा। इसको नहीं खोलते बेटा। देखो देखो क्या है, क्या है इधर? नहीं बच्चा नहीं खोलेंगे। ट्रेन आ रही। कौन आ रही? क्या देखती है? चल यहाँ से। सारा दिन तुम किसी न किसी से लड़ती ही रहती हो। अब कौन थी ये? होगी कोई भी कारण। ये लो भतिया। अच्छा।
जी क्या चाहता है? जी चाहता है कि तुम्हें हमेशा अपने पास रखूं। वो जो तुम्हारा गांव है ना, बहुत खूबसूरत लगता था मुझे क्योंकि तुम वहां रहती हो, लेकिन अब मुझे इससे चिढ़ होने लगी है क्योंकि तुम मुझे छोड़कर वहां चली जाती हो। मेरा घर है। तुम मेरे घर को अपना घर क्यों नहीं समझती हो? अच्छा मैं जाती हूँ। ये जो तुम्हारी सौतेली बहन है ना, नफरत है मुझे इससे, ये हमेशा तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाती है। माँ की दासी यही बचाती रहती है, इसीलिए बुला लेती है। कल आओगी ना? अगर आ सके तो जरूर आऊंगी, अगर नहीं आओगी तो गांव चले आऊंगा। मोती, दिवाली के दिए लाए? कैसे लाता साहब, आपने तो पैसे दिए नहीं मेरे को। ये ले पैसे, जल्दी जा। इतना चाहता है तो चली क्यों नहीं जाती उसके साथ? कैसे चली जाऊं? जैसे मैं किसी के साथ जाने वाली हूँ। तेरी तो शादी होने वाली है जी, तू भी करा लेना। लाजो कहाँ रहती है? हैराम लाजो कहाँ है? अभी उधर गई है। उधर? अंदर जाओ, मैं बाहर बैठता हूँ। अच्छा, जल्दी आना। जब से मेरी माँ परलोक सिधारी है, तू ही मेरी माँ है, सुख दुख में तेरा लेती हूँ।
आज मैं फिर तेरे पास आई हूँ। तू तो सब कुछ जानती है, तू तो जानती है मेरे दिल में क्या है। वो मुझे बहुत चाहता है, उसी से मुझे जीवन में प्यार मिला है। तू मेरा हाथ उसके हाथ में दे दे। ओफ। चलो, माँ बुला रही है। अंदर तो चल सकता हूँ लाजो, लेकिन लेकिन तुम्हारी माँ यहाँ कैसे आ गई? वो नादान है, ना समझ है। अगर नाराज हो गई हो तो सजा मुझे दे देना, उसे नहीं। गाड़ी में फुल गाड़ियां रखी है, जरा ले आओ। अभी लाया। फिर वही चिट्ठी? चिट्ठी हो ही नहीं सकती साहब, मैं दिवाली के चिराग लेने के लिए गया था तो लेटर बॉक्स खाली था। मोती, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि उस लड़की की ताक में रहा करो, वो हर वक्त आती है, चिट्ठी छोड़ आती है, तुम्हें पता तक नहीं चलता। और तुम्हें तो पता है कि मैं उस लड़की की तलाश में हूँ। साहब, मैं रात भर जग के पैरा रहता हूँ, चिट्ठी डाल ही नहीं सकती। तुझे क्या तुम्हारे फरिश्ते छोड़ गए? ये हो सकता है साहब। तो जाओ सामान लाओ। लाया सर। आखिरी बार लिख रही हूं, इसके बाद नहीं लिख सकूंगी। मुझे वही दौरे पड़ते हैं जो माँ को पड़ते थे, दो पड़ चुके हैं। कहते हैं तीसरा जान ले लेता है, और तीसरा भी आता नजर आ रहा है।
ये बच्चा तुम्हारा ही है, उसे अपना लेना। बड़ी मुश्किल से पाला है अपनी जान दे के। इसी तरह इसे नए कपड़े भी पहना दिए हैं ताकि इसे देखकर तुम्हें शर्म ना आए। तुम्हारे घर के पास ही इसे छोड़ चली हैं। खत देखती घर ले आना। देखना कहीं भटकता ना रहे इस बेरहम शहर में। जी चाहता है मरने से पहले तुम्हें एक नजर देख लूं। किस्मत अच्छी हुई तो कहीं देख ही लूंगी। आज गुल्लू की बातें बहुत याद आ रही हैं। दिल को पहले चैन पड़ता है फिर आंसू टपकने लगते हैं। क्या करूं, मैं हमेशा तुम्हारी ही रही। मर जाऊंगी तो विश्वास करोगे? तब क्या फायदा। बहुत भटकती रही हूँ, बहुत दुख देखा है। अब तो छुटकारा चाहती हूँ, वो मौत नहीं मिलेगा, तुम्हारी इलाज हो। बच्चा तो नहीं देखा? 15 महीने का बच्चा? यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर किसका किसका बच्चा साहब? मुझे का भी ढूंढता ढूंढता। ओ मामा, एक 15 महीने का बच्चा देखा क्या? नहीं। ओ गंगू नहीं, एक 15 महीने तो मुंबा गीत लेगा। नहीं लाजो, अपना पता क्यों नहीं देती? ये एक लंबा किस्सा। उम्र? 19-20। कोई फोटो? जी नहीं, गोरा रंग, गुल्लू के बाहर से आई, छोटा कद, गोल सा चेहरा, खूबसूरत। हाँ, ऐसी बहुत सी घूमती रहती है बंबई में, लेकिन फोटो चाहिए। करती क्या है? पता नहीं। तो आपको पता क्या है, मैं कोई जादूगर हूँ क्या कि थैले में से निकाल के सामने रख दूँ? जाइए, यहाँ लोग आते हैं रिपोर्ट लिखाने, किसी चोरी या खून के जुर्म की। पुलिस की नजरों में इस लड़की ने कोई जुर्म नहीं किया। अब आप ही बताइए, बीमार होना कोई जुर्म है या मरना भी कोई जुर्म है? फिर आप ही बताइए, मैं करूं क्या? मगर आपके पास उस फोटो तक नहीं है, आप ही बताइए पुलिस ढूंढेगी किसको? आप मेरे साथ चलिए, उसकी एक पत्थर की मूर्ति मेरे घर में है, आप उसका फोटो ले लीजिए। आप कौन हो भाई? मैं एक मामूली सा कलाकार, मूर्तियां बनाता हूँ। चलिए, आपका मुझ पर एहसान होगा। मामला कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा चलो। अच्छा तो ये है, छोकरी अच्छी है ना? तुम्हारे साथ कैसे फंस गई? सवाल जवाब बाद में हो सकता, पहले काम कर ले। ठीक, वैसे तस्वीर लेना मेरा काम तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी खातिर कर रहा हूं। कमाल, तुम आशीष लोग लड़कियों को फंसाना खूब अच्छी तरह जानते हो। एक एक एंगल से अच्छी लगती है, और भी अच्छा है ना। अच्छा, ये कुल्लू के पहाड़ों में बनाई थी ना? जी हाँ। और जब बना रहे थे तो ये निर्मल की थी? जी हाँ। और सदी नहीं लगी थे? नहीं, कमाल है। अच्छा खैर, चल, मैं बड़े दिलचस्प आदमी हूं। वो देख मम्मा, वो देख किश्ती। अच्छा जा खेलो।
माँ आज से मैं इनकी हुई। आज से ये मेरी हुई। खा जाएगी। अब देर तो हो ही गई है, जल्दी किस बात की। लेकिन माँ से कहोगी क्या? कहूंगी जंगल में एक भालू मिल गया था। है? मैं भालू? बंबई का। अच्छा तैयार हो जा। हो जाओ। तो तुम जाओ ना। क्यों, मेरे सामने तैयार नहीं हो सकते? उठो ना, अभी सर्दी लग जाएगी मुझे। नहीं लगती, उठो। आ, सर्दी। अच्छा लगने दो, उठो 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 ना। अच्छा भी तुम कहते हो तो उठ जाते हैं, लेकिन ये कोई बात हुई, आप हमारे सामने तैयार भी नहीं हो सकते, ये कोई दुख है? तैयार हो गई? इतनी जल्दी कैसे? अरे बाबा जल्दी करो ना, ठहरो ना, मुझे सर्दी लग रही है। तुम्हारी मूर्ति ऐसे ही बनाऊंगा। तैयार होने दो ना। तो हम तैयार हो जाते हैं। देखो जितनी देर में मैं तैयार होता हूँ उतनी देर में तुम भी हो जाना, बाद में मत कहना फिर। आ जाऊं? लो जी हम तो हो गए, आ जाओ आप। कितनी अच्छी लग रही हो, कुछ देर और ठहर जाओ ना। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। रात बाकी है अभी, रात में रस बाकी है, पाके तुझको तुझे पाने की हवस बाकी है। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। जिस्म का रंग फजा में जब बिखर जाएगा, मेहरबा हुस्न तेरा और निखर जाएगा। लाख जालिम है जमाना, मगर इतना भी नहीं, तू जब बाहों में रहे वक्त ठहर जाएगा। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर।
जिंदगी अब इन्हीं कदमों पे लुटा दूं तो सही, जिंदगी अब इन्हीं कदमों पे लुटा दूं तो सही, ऐ हसी बुत मैं खुदा तुझको बना दूं तो सही। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर। अच्छे देना। आज मुफ्त खा ले, कल पैसा ले आना। Thank you.
क्या खाओगे? ये खाओगे? पैसे हैं? पैसा है? किसका बेटा है? मम्मा। मम्मा का बेटा है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? लत्तू। लत्तू। एक दिया और कितना देगा घड़ी घड़ी? अच्छा बोल, पैसा लाया? पैसा लाया? नहीं नहीं। अरे यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं जो खा के चले जाते हैं। लो दोनों संभालो, चलो घर ले जाओ। हाँ सर, क्या दे दूँ? चार आने की बर्फी, दो लड्डू, चार गुलाब जामुन। अच्छा भी देता है। अरे अकेले मत खाना, मामा को भी देना। हाँ देंगे और उसकी तलाश शुरू हो जाएगी। कुछ देर ठहर और
कुछ देर न जा और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा और कुछ देर ठहर, और कुछ देर। अच्छा, बच्चा तो कोई नहीं था साहब, लेकिन उस खत में तो लिखा था कि बच्चा तुम्हारे घर के सामने छोड़ जाएगी। हाजिर हो गया, हाजिर हो गया। बच्चा मिला? साहब सारा मोहल्ला छान मारा, बच्चे का कहीं पता नहीं चला। मेरी तो नींद तितर बितर हो गई। Damn you! लाजू के पल्लू में से खत मिला। लगता है अब मेरा वक्त आ गया। कितना अच्छा हो अगर तुम्हारे ही हाथ से मेरी चिता जले। मैंने वहां दो कांस्टेबल भेज दिए हैं, मैं अभी वहां जाता हूं। इस पे तरस आता है और गुस्सा भी आता है। बच्चा मिला? यहाँ तो नहीं है सर, दिखा जा सकता, अनजान है, कहीं सड़क पर निकल गया होगा। अभी तक बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चला। बच्चे के बारे में लाजू ने हर खत में लिखा है। आपके पास उसका कोई फोटो है? नहीं। पहचान सकते हो? कभी देखा तक नहीं। तो कैसे बताओगे कौन बच्चा तुम्हारा है? सैकड़ों बच्चे गलियों में घूमते रहते हैं, किस बच्चे को उठाकर तुम्हारे पास लेके आऊं? तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। वो अकेला घूमता फिरेगा, भूखा प्यासा लावारिस, अगर उसे कुछ हो गया तो खुदा के वास्ते कुछ कीजिए फौरन। आज दिवाली है। तो क्या हुआ? आप जाइए ना, वक्त जाना कीजिए। दिवाली के दिन भी चैन है। Yeah!
सकता हूँ। अपना वक्त क्यों जाया करने चले आए हो? बात यह है कि तुमसे कुछ हमदर्दी सी हो गई है। आदमी बड़े ही दिलचस्प हो। पी रहे हो? जब तकलीफ होती है ना तब। ओके? नहीं। तुम ऐसे इंसान लगते हो जो तकलीफ महसूस ही नहीं करता है ना। देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। शुक्रिया। हो सकता है इसने अपने बच्चे का फोटो अपने माँ बाप के पास भेजा हो। बाप नहीं है, माँ सौतेली है, बनती नहीं। तो फिर बंबई में ऐसा कोई है इसकी पहचान वाला जिसे तुम जानते हो? याद करो। अच्छा सब कुछ शुरू से बताओ, ये तुम्हें पहले कहाँ मिली थी? कुल्लू की खूबसूरत वादियों में। Oh,
आगे मुझे सब मालूम है। तुमने उसका पीछा किया, उससे वाकफियत निकाली, उससे प्यार बातें की, उससे इश्क फरमाया और देखो ये कहानी तो मैं रोज सुनता आया हूं। कुछ काम की बात बताओ। आपकी बीवी खूबसूरत है क्या? तुम पुलिस वाले जानते ही नहीं खूबसूरती क्या होती है। मुझे तो शक है कि तुम्हें अपनी बीवी की शक्ल भी याद नहीं। बेचारी। गुंडा किसी बच्चे को उठा ले गया है, पुलिस उसके पीछे गई है। अरे भाई देखो ना, आगे दे देना। भगवा ब्रिज देखन को चली दी भगवा ब्रिज देखन को चली दी भगवा ब्रिज देखन को चली दी भगवा ब्रिज देखना को चली भगवा ब्रिज देखन हटो हटो भाई साहब, भाई साहब सुनिए सुनिए,
क्या हुआ भाई साहब? वो कोई बच्चे को ले भागा था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बच्चा चुराया, जेल में डाल दो, फांसी चढ़ा दो कंबख्त को। बच्चे चुरा कर बेचना तो आजकल लोगों ने धंधा बना लिया है। माँ कसम कोई मेरे बच्चे को हाथ तो लगा कर देके हड्डियां चबा जाऊंगा। जाओ बच्चे को लेके आओ। अरे तेरा बाप मेरी हड्डियां नोच डालेगा। अरे वो मुसीबत, चल फोन तुझे वापस छोड़ रहा हूँ। उससे आ गया पर कहीं पुलिस मुझे ना जेल में धरते, समझा? नहीं समझा और ना समझेगा। हाँ चल बेटा, जहाँ तू मेरी गाड़ी में चढ़ा था ना वहीं तुझे छोड़ा हूँ, तेरी माँ तुझे वहां ढूंढ रही होगी। अबे राजा किसका बेटा है? मैं बाप का नाम बता। मामा का पता नहीं तो। खेल खेल तेरे लिए रहा हूँ, खिलौने खेल बेटा। मेरे बच्चे वहां बगैर खेलने ठीक है, देख लूंगा। कर्ज लेके खिलौने तेरे लिए लाया हूँ, ये कर्ज लेके तेरे लिए लाया हूँ खिलौने। मुझे मेरी गाड़ी में देखकर कोई मेरा बेटा थोड़े समझेगा। अब देख देख मेरी शक्ल देख, ये कितनी काली और तेरी कितनी गोरी है। घर पर बीवी को क्या जवाब दूंगा, वो क्या कहेगी? अरे घर पर पहले आए थे, वो कुछ काम है क्या? कहाँ फंस गया मैं? अबे मामा के बेटे कुछ बोलेगा भी या मैं बट में चला जाऊं? बस अबे कुछ बोल, ए मामा के बेटे कुछ बोलना। अगर कल पैसे नहीं देते तो चचा मुझे पकड़ेगा। अबे कुछ बोलते तो बोल। मत मत तो मत बोल, काम हो गया मुझे ना कि तूने। जाओ जाओ भाई जाओ, तुम्हें जल्दी है और मुझे घबराहट है, गाड़ी में एक मुसीबत है। हाँ वाह वाह, अबे ये फुगा फुके में उधार लाया हूँ, खेल रहा है, बोल रहा है, अपने बाप का माल समझता है। समझता क्या तू अपने आप को? किसी और की गाड़ी नहीं मिली तुझे? एक ही शरीफ आदमी रह गया था बंबई में। आवाज बेटा, हाय क्या दिन फिरे थे मेरे आज, तो खिलौने लेने चला आया। खिलौना लेंगे अपने बच्चों के लिए, ये किसकी मुसीबत मेरे गले में? वाह वाह सो गए बेटा, ये तेरे बाप की गाड़ी है, मैं तो तेरा गुलाम हूँ, मुझे तो मरवाएगा कदा कहीं का। जाग गए बेटा महाराजा? अबे चुप, यहाँ तो पुलिस वाला खड़ा है, यहाँ कैसे उतारू तुझे? दुबला पतला होता तो निमट लेता, ये तो जरूर से ज्यादा मोटा है। चल बेटे कहीं और चल चल। थैंक यू भगवान, थैंक यू। जान बची सो लाखों पाए, चलो किसको वरना फिर धर लिए जाओगे। चलो ड्राइवर।
लो, भगवान के घर चोर घुस आया है। खाओ खाओ, तुम भी तो बाल गोपाल हो, खाओ। कितना खूबसूरत बच्चा है, अपना तो एक भी बच्चा इतना खूबसूरत नहीं, पता नहीं क्या बात है। आज जरा बीवी से जाकर पूछूंगा।
पता चला? अभी नहीं, बैठो। हवालदार जी साहब, आस पास के पुलिस स्टेशनों को खबर पहुंचा दी? जी हाँ, तलाश जारी। कमाल है, हम लोगों से एक बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। ये किसका बच्चा लारी के नीचे आ गया? ड्राइवर का लाइसेंस नंबर ले लो और लोगों को आगे मत बढ़ने देना। इंस्पेक्टर साहब, खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़िए। ये बच्चा क्यों रोता है? मना है, पीना तो मना है, खाना भी मना हो रहा है, हंसना तो आप ही मना हो जाएगा, रोना क्यों मना है? बेकार में देर हो रही है। अजीब मजाक है। अरे लेट होने दो। अरे चलो। Thank you.
आज फिर पैसा नहीं लाया ना, चल आज सादा पानी पी। रेस्टोरेंट में वो लड़की मिली थी, रजनी नाम है ना उसका? हाँ। ये रजनी कौन है? तुम हर बात पर सवाल करते हो। चलो, तुमने आपकी जगह तुम तो कहा, इसका मतलब है दोस्ती हो गई। अरे मैं तुम जैसे घसियारे कलाकारों को भी इज्जत देता हूँ, इससे ये ना समझना कि मुझे आर्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं है। बचपन में गाता था, मालूम है। हाँ भाई वाह, हम तुम्हारी मदद करते फिरे और तुम हो कि उस लड़की से फौरन कह दिया हमदर्दी के लिए शुक्रिया, और हम जो यहाँ हमदर्दी में रातें जाग रहे हैं वो कुछ नहीं। हाँ वो छोकरी है लिए नहीं। ए, सवाल मैं इसलिए नहीं पूछता कि मुझे उस छोकरी में कोई दिलचस्पी है, सिर्फ इसलिए पूछता हूँ कि शायद उसके जरिए उस बच्चे का पता लग जाए। कब से जानते हो इसे? अरसे से। इसका बाप बहुत बड़ा आदमी है, उसी की वजह से तो मुझे अमेरिका जाने का वजीफा मिला था। इस छोकरी ने कहा कि लाजो तुम्हारी औरत थी? हाँ। लेकिन नहीं बताया? यूं ही। किसी और को भी मालूम है तुम्हारी बीवी थी? नहीं तो? तो इसे कैसे मालूम है? ये वही थी जब वो सारा किस्सा हुआ। किस्सा? अभी किस्सा क्या है? मेरे घर मेरे कुछ यार दोस्त आए हुए थे, अमरीका जाने की खुशी में पार्टी हो रही थी। बड़ा कमाल का मेरा खास दोस्त है, इसने हजारों मूर्ति बनाई है, एक नहीं, ये देखिए इस मूर्ति को कितने समझा के सकता है, कितने जज्बात, कितनी फीलिंग्स को बताया।
लगता है, पर ये हजारों मूर्तियां जब मैंने देखा, हमने किसी भी देखी ये बारीकी से अपने हाथों से एक चीज को किस कदर बनाया हुआ है। तुम आप समझिए इस बात को। सुनो सुनो सुनो, गोविंद के अमेरिका जाने की खुशी में एक और जाम कोका कोला का। इसमें कम से कम देसी ठर्रा ही मिला दिया होता। जरा चक्की तो देखो। गोविंद, हमारी दिली ख्वाहिश है कि तुम बाहर जाके आज की दुनिया में फतेह हासिल करो। तुम्हारे फतेह के पहले तुम्हारे फतेह का जाम। कब जा रहे हो गोविंद? यही 10 दिनों के बाद, लेकिन यहाँ से कल ही जा रहा हूँ, कुल्लू जा रहा हूँ। कुल्लू कौन जा रहे हो? आके बताऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाई हूँ, दिखाओ। मेरे लिए? तुम कौन हो? कोई नकरानी रखी है? नहीं तो? अंदर कौन है? ये सब मेरे यार दोस्त हैं। राजू, बगैर इतला किया तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं जाता। तुमने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? लिखी, लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। तुमने नहीं लिखी, नहीं तो कैसे नहीं मिलती? क्या ये मेम साहब की वजह से नहीं लिखी? कैसी बातें कर रहे हो? देखो ना, अगले हफ्ते मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कल को लेने के लिए। तुमने मुझे बुला कर नहीं लिया, साथ क्यों नहीं लिया? कैसे ले आता? मैं तुम्हें शान के साथ लेकर आना चाहता हूँ, ताकि यही लोग तुम्हारी इज्जत करें। वैसे यूं कोई देखे तो शायद नौकरानी समझ बैठे। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, बड़ी बुद्धू हो। तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले आए? नहीं तो मेरा गला घोट कर मार क्यों नहीं आए? क्या हुआ लाजो? मेरी सौतेली माँ। क्या किया है तेरी माँ ने? मारा तुझे? पता? मेरी शादी कर दी। तूने माना क्यों? मुझे भेज दिया। विश्वास नहीं किया कि तुम मुझे मंदिर में ब्याह के गए हो। मेरा कोई गवाह नहीं था, आना तुम्हारी कोई चिट्ठी आई। तू अपने पति के घर गई थी? हाँ। अब तुम किसी और की प्यासा बीवी हो। तेरा पति बाहर है? नहीं। फिर यहाँ क्या करने आई? मैं उसे छोड़ आई। किस लिए? किस लिए? मेरे पेट में बच्चा है। किसका? उसका नहीं। कैसे यकीन कर लो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो। विश्वास भी कैसे करूं? कैसे? तुम मुझे बेहद को बनाने आया? ये तुमने क्या किया, क्यों किया, मैं कैसे यकीन कर लूं? लाचो, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मैंने तुमसे प्यार किया, तूने विश्वासघात किया। नहीं, 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 मैं अपनी माँ के सामने खा के कहती हूँ। चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तू वही क्यों नहीं मानी? मुझे क्यों सताने और जलाने चली आई? बात करनी है। सुनो 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 सुनो, मैं गोविंद से दरखास्त करती हूँ कि बाकी का जश्न मेरे घर मनाया जाए। मंजूर है? और खाना भी मेरे घर होगा। क्या बात है,
क्या हुआ गोविंद? मैं अब कुल्लू नहीं जाऊंगा। हुआ क्या है, ये कौन है? मैंने तुमसे एक बार कहा था ना कि मुझे किसी से बहुत प्यार है। ये है, एक बार तुम इस मूर्ति को भी देखना चाहती थी, मैंने तुम्हें देखने नहीं दिया। मैंने तुमसे कहा था जिसकी मूर्ति है पहले उसे देख लो, लेकिन मैं आज दिखाता हूं। देखो इसे, ये तो वही लड़की है। ये मेरी बीवी थी। बीवी थी? इसकी सौतेली मां ने जबरदस्ती इसकी शादी किसी और से कर दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ा प्यार है मुझे इससे, लेकिन मैं क्या करूं? लेकिन अभी आपने दूसरे पति के घर से आई है, कहती है पेट में बच्चा है, कहती है मेरा। काश मेरा ही हो, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? बताओ मैं क्या करूं, कैसे अपना सकता हूं उसे? बेचारी, तुम्हारा ना होता तुम्हारे पास क्यों आती? एक बार उसे बात करने का मौका तो दो, मैं उसे बात करती हूं। वो तो यहाँ नहीं है। क्या साथ साथ? वो जो पारन आई थी वो रुका दे गई, चली गई जी। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? गधे बेवकूफ, जा ढूंढ उसे। वो तो बस में बैठ के गई साहब। बस में बैठ के गई? अब कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी, कसम खाती हूँ। जी तो चाहता है अपनी जान ले लूं, पर पेट में बच्चा है आपका, आपके कारण मर जाना चाहती हूँ और उसके कारण जीना पड़ रहा है, तो जी लूंगी किसी तरह। लाजो बिट्टिया, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उसे वापस लाता हूँ। बंबई में कई दिन उसको ढूंढता फिरा, रात दिन एक कर दिया, कहीं पता नहीं चला। फिर कुल्लू गया उसे ढूंढने, उसके गांव में। आप लाजो कहां है? यही तो मैं पूछने आया हूं, ये सब हुआ कैसे? शायद माँ ने तुम्हारा खत छुपा लिया। लाजो के पेट में बच्चा था, माँ को वो पता चल गया, खूब पीटा, फिर उसे 500 में बेचकर जल्दी शादी कर दी। लाजो, अरे शुक्र कर तेरी शादी हो गई, वरना तुझे कौन पूछता? चल। पर लाजो ने पति के घर पहुंच के सब कह दिया, वहां भी उसे उन्होंने बहुत पीटा। फिर वो कहीं भाग गई, आज तक पता नहीं चला। बड़ी जिद्दी है, नाराज होकर कई कई दिन खाना नहीं खाती थी। मुझे शक है अब वो कभी नहीं आएगी। पर तुम्हारे पास क्यों नहीं पहुंची? गधे हो, बेवकूफ, आर्टिस्ट। उसके बाद क्या हुआ? अरसे के बाद एक खत आया, पता नहीं लिखा था लेकिन मोहर अमृतसर की थी। उसमें लिखा था आज तुम्हारे यहां बेटा हुआ मुबारक हो। उसके बाद एक खत दिल्ली से आया, उसमें लिखा था आज तुम्हारे बेटे ने मुझे मामा कहा है। उसके बाद एक खत बंबई से आया, लिखा था आज तुम्हारे बेटे ने चलना सीखा है, लेकिन इस पर पता नहीं लिखा था। जाहिर है कि वो मेरे लेटर बॉक्स में खुद आकर डाल गई हो। और उसके बाद ये आखिरी खत जो कि तुम पढ़ ही चुके हो। अमेरिका नहीं गए? ऐसी हालत में कैसे जा सकता था? और ये छोकरी रजनी, इसका बाप बहुत नाराज। अरे मैं इसके बाप की बात नहीं कर रहा हूं, छोकरी की बात कर रहा हूं। रजनी हमेशा मेरे साथ हमदर्दी से पेश आई। अक्सर मिलती है? कभी कभी। हाँ लो भाई, तुम्हारा घर आ गया, रात बहुत हो चुकी है, तुम आराम कर लो। कल मिलेंगे।
अरे अभी सब्र करो बेटा, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। नमस्ते, नमस्ते। मैं रजनी बोल रही हूँ, इंस्पेक्टर साहब बच्चा मिला? जी नहीं, तलाश जारी है। मैं भी उसे खोजती रही हूँ, क्योंकि मुझे उसकी शक्ल की झलक सी कुछ याद है, पर मुझे मिला नहीं। आपको जब भी मिले तो मुझे टेलीफोन जरूर कर दीजिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 5757 3271। थैंक यू। दादर और बांदा पुलिस स्टेशन से कोई खबर आई? वहाँ भी तलाश जारी है साहब, अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो लोग बच्चे का फोटो मांगते हैं। कह तो दिया था कि फोटो नहीं है, फिर क्यों मांगते हैं? समझ में नहीं आता, कोई निशानी तक नहीं है, उसे किसी ने देखा तक नहीं, खुद बाप ने नहीं देखा। अरे तुम्हें क्या हो गया है? जो तुम थक गए हो, घर जाओ, आराम करो। कह दिया ना, हम लोग सबको संभाल लेंगे, हिम्मत से काम लो। हेलो, आप रजनी बोल रही हैं? मैं इंस्पेक्टर नायक हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। कर रही है? तबीयत नहीं है। बच्चा मिला कि नहीं? जी नहीं। आप बच्चे को ढूंढने क्यों गई थी? यूं ही। रुक जवान जवान, रात में मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। रुत जवान जवान, रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। रुत जवान जवान। मैं गोविंद को सिर्फ 3 दिन से जानता हूँ और मुझे उससे लगाव हो गया। अगर मैं छोकरी होता तो मुझे जरूर उससे इश्क हो जाता, और फिर आप तो अरसे से जानती हैं उसे। कुछ झुकी झुकी नजर कहे, कुछ छुपा छुपा सा डर कहे, जो कहे वो रात भर कहे, फिर भी न हो कुछ बयान। रुत जवान जवान, रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। रुत जवान जवान। गोविंद की हालत अच्छी नहीं है। क्या हुआ गोविंद को? 3 दिन में उसका हुलिया बिगड़ गया है। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकती। आप कर सकती हैं। क्या? गोविंद को किसी के सहारे की जरूरत है। हुस्न की शिकायतें बजा है, इधर तड़प उधर गिला, हाँ
नशी है दर्द की सदा, आंखें बनी है जुबान, रुत जवान जवान रात मेहरबान। छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान। अगर बच्चा न मिला तो उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी, और अगर मिल गया तो बच्चे को संभालेगा कौन? किसी भी सूरत में से सहारा तो चाहिए। सोच लीजिए, इजाजत चाहता हूं। गम खुशी खुशी छुपा लिया, दर्द को भी दिल बना लिया, जिंदगी ने आजमा लिया, तुम तो न लो इम्तिहान, रुत जवान जवान रात मेहरबान। छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान। खिदमत में लगा हुआ है और ऊपर से चिल्लाते हो बाहर निकाल दूंगा। आज तीन दिन हो गए तुम्हें बच्चा ढूंढते हुए, तुम्हें अपना काम नहीं आता। है साहब चुप रहो। जिस बच्चे को तुम खुद नहीं पहचान सकते, तुम चाहते हो उसे मैं ढूंढा फिरूं? सैकड़ों बच्चे यहां तुम्हारे सामने लाए जा सकते हैं, पहचान सकते हो कौन बच्चा तुम्हारा है? भेड़िया आर्टिस्ट बने फिरते हो, कलाकार
कला की आड़ में तुमने एक लड़की की इज्जत ली, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जान ले ली, तुमने उसकी जान ली और अब बच्चे को ढूंढते हो। उस वक्त क्या हुआ था जब वो मासूम लड़की बच्चा पेट में लिए तुम्हारे दर पर आई थी? क्यों ठुकरा दिया उसे तुमने? उस वक्त तुमने उसे अपने काबिल नहीं समझा, आज के नशे में थे, है ना? अरे आज क्या, उस औरत के नशे में थे तुम। आज आज कहता है दूसरों की जान ले लो। खैर उसकी जान तो अब तुम ले चुके हो, अब घर पे बैठकर उसकी मूर्ति को देखो और अपनी किस्मत को कोसो। लेकिन याद रखो, अगर उस बच्चे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ हाँ, मैं कसूरवार हूं, जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। देखो देखो, अब मेरी जिंदगी पर मनुष्यत छा गई, मैं अपना आर्ट खो बैठा हूं, मैं अपनी इंसानियत खो बैठा हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं, जीने का सहारा तक नहीं। अगर मेरा बच्चा मुझे मिल जाए ना तो शायद मेरी जिंदगी संभल सकती, मेरी इंसानियत मुझे वापस मिल सकती है। वो बच्चा ना जाने किस हाल में होगा। ओफो, मैं तो तुमसे तंग आ चुका हूं, नींद हराम हो गई तुम्हारी वजह से। तुम कैसे इंसान हो? यह चीज क्या है जिसके लिए इतना तुम ढोंग रचाते हो? आर्टिस्ट, कलाकार, मूर्तिकार, मक्कार। हाँ हाँ, मैं मक्कार हूं, जलील हूं, खुदगर्ज हूं, लेकिन खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचाओ। भगवान ने बचा लिया। राम की माया, राम की माया, राम की। हमेशा बड़बड़ करते रहते हो, किसी वक्त आराम भी करने दोगे? चुप रहो, बच्चे सो रहे हैं। देखो थोड़ा दूध तो होगा ना। दूध कहाँ से लाऊं? पहले ही अपने पांच बच्चे हैं। अरे ये किसके बच्चे को उठा लाए? इसे भगवान ने मेरे हवाले किया है, ये उसी की अमानत है। देखो मेरा खाना होगा ना, मैं उसी में से इसको खिला दूंगा। तुम्हारा खाना सब बच्चे खा गए और मेरे पास इसके रखने की जगह नहीं है, जाओ इसे छोड़कर आओ। अरे ये तो उसी भिखारन का बच्चा मालूम होता है, वही छोड़कर इसको गई होगी कि कोई इसको पाल ले, समझ गए? जाओ इसको छोड़कर आओ। अरे जरा तो तरस खाओ। देखो मेरी गाड़ी आने वाली है और मैं अभी सिग्नल देख कर आता हूँ। लो तुम इसे संभालो। हाँ, संभालो। लो तुम इसे संभालो, संभालो इस भिखारन के बच्चे को संभालो। अपने ही बच्चों को खाने को नहीं है तो मैं इसको कहाँ से खिलाऊंगी, समझ गए? सुनो, अगर तुमने इस बच्चे को घर से बाहर निकाला तो राम कसम मैं तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, अगर इस बच्चे को खिला तो राम कसम मैं तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगा। बड़े आए निकालने वाले, मैं तो इसको निकाल कर रहूंगी, समझे? नन्ही मुसाफिर रास्ते में कहीं थक न जाना, दूर जाना है नन्हे मुसाफिर रास्ते में कहीं थक न जाना, थाम के
अल्लाह खेलने के लिए यही जगह मिली। राधे श्याम राधे श्याम।